हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहर। आज का टॉपिक है हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी से रिलेटेड। हम जानेंगे कि लंग्स में होने वाली दिक्कत क्या होती है। तो पहले हम थोड़ा लंग्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये होती है हमारी ट्रैकिया, इसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। ये लंग्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इनर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। हमें लंग्स की डिजीज पढ़ने के लिए इतना बेसिक एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं राइट लंग, ये हमारा होता है लेफ्ट लंग। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली डिजीज जो है हमारी वो है पैरासिम्पेटिक थोरेसिक। इसमें क्या होता है, ये जो प्लूरल कैविटी होती है, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के जो बीच में स्पेस होता है, यहाँ पे अगर कोई फ्लूड या एयर भर जाती है तो हम उसको नाम देते हैं पैरासिम्पेटिक थोरेसिक। इसमें क्या होता है, पैरासिम्पेटिक थोरेसिक में हमको प्लूरल कैविटी से फ्लूड या एयर को सिरिंज के थ्रू निकाला जाता है। इसको बोलते हैं पैरासिम्पेटिक थोरेसिक। हमारी जो दूसरी डिजीज है उसको बोलते हैं प्लूरिसी। तो प्लूरिसी जो होती है वो इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, इन दोनों में इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं प्लूरिसी। तीसरी डिजीज आती है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है ड्राई और फ्लूड कलेक्शन इन प्लूरल कैविटी, या इसमें एक फ्लूड होता है, दोनों प्लूरा के बीच में एक फ्लूड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल फ्लूड। प्लूरल फ्लूड अगर सूख जाता है, ड्राई का मतलब प्लूरल फ्लूड सूख जाता है, तो भी प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, या फिर इसके अलावा कोई दूसरा फ्लूड इसमें आ जाता है जस्ट लाइक वाटर वगैरह, तो उसको भी फ्लूड आ गया तो उसको भी हम लोग प्लूरल इफ्यूजन बोलेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें से फ्लूड सूख गया ये ज्यादा खतरनाक है, या इसमें फ्लूड आ गया ये ज्यादा खतरनाक है। तो जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो यहाँ पे फ्लूड होता है जिसके कारण पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा दोनों आपस में मिलती नहीं है। अब फ्लूड सूख गया तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगी, जिससे बहुत ज्यादा हमारे अंदर पेनफुल होगा। इसीलिए जो होती है ड्राई प्लूरिसी इज मोर पेनफुल। किसके, अगर फ्लूड आ जाता है पेन होता है उसमें भी, पर उसको आदमी बर्दाश्त कर सकता है, इसमें पेन बहुत ज्यादा होता है। तीसरा आता है निमोथैरेक्स। अगर प्लूरल कैविटी में जनरली हवा आ जाए, एयर, तो बोलेंगे निमोथैरेक्स। अगर इसमें ब्लड आ जाता है, ब्लड क्या होता है बेसिकली हीमोग्लोबिन से हम लोग जानते हैं, तो इसको बोलेंगे हीमोथोरेक्स। प्रेजेंट इन ब्लड प्लूरल कैविटी में, ठीक है। अगर इसमें फ्लूड और एयर दोनों आ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रो। हाइड्रो मतलब क्या है, वाटर से रिलेटेड है पर फ्लूड बोलते हैं। हाइड्रो मतलब फ्लूड, नीमो मतलब एयर। कहाँ आ गया ये थोरेक्स, क्यों नाम दिया गया, ये थोरेसिक रीजन में हमारे प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनीमोथोरेक्स। इसमें क्या होगा, बोथ फ्लूड और एयर दोनों प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं इपीमा। पस मतलब होता है मवाद। अगर इन दोनों के बीच में पस कलेक्ट हो जाती तो उसको बोलते हैं इपीमा। बेसिकली ये जो होता है बहुत ज्यादा पेनफुल होता है क्योंकि इसमें पस आ जाती है, हमको रेस्पिरेशन करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो है सारा हमारा लंग्स से मेनली पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा से रिलेटेड जितनी भी डिजीज थी लगभग सब हमने डिस्कस कर ली है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।